नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनु सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट आपने थंबनेल्स को क्लिक कराया है ताकि आपको इस वीडियो पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको पता होगा कि मैं डेली वीडियो को अपलोड करता हूँ, यूट्यूब टिप से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता ही रहता हूँ ताकि मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊँ, वो भी लीगल वे में, ताकि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके और साथ ही साथ उस पर सब्सक्राइबर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल पर और जल्दी से जल्दी आ सके। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा नाम है सुनील, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बात करते हैं मुद्दे की कि इन ही वजहों के कारण आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो नहीं हो पाता। क्योंकि YouTube पे ऐसा देखा जा रहा है, मेरे एक चैनल और है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन ये मेरा न्यू चैनल है तो मैं इस चैनल को कहीं भी प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँ, तो बात करते हैं मुद्दे की कि यूट्यूबर जब बनता है यूट्यूब पे आने के लिए, जब वो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो को देखता है एंड यूट्यूबर बनने के मन में उसके आती है कि भाई मेरे को यूट्यूबर्स बनना है, तो सबसे पहले वो यूट्यूब पे चैनल तो क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो कुछ गलतियां ऐसी करता रहता है कि जिसकी वजह से उसका जो यूट्यूब का जो चैनल है वो कभी ग्रो नहीं कर पाता। इवन ऐसा भी देखा जा रहा है यूट्यूब पे कि बंदों को दो दो साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, उनका ना तो वॉच टाइम कम्प्लीट हो रहा है और ना ही साथ ही साथ उनका सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट नहीं हो रहा था। इनकी मेन वजह क्या है? क्या हर यूट्यूबर्स यही गलती कर रहा है? जी बिल्कुल सही, हर यूट्यूबर शुरू में यही गलती करता है, लेकिन जैसे जैसे वो गलतियां अपनी सही होने लगती हैं, यूट्यूब के अंदर डीप में जाने लगता है, साथ ही साथ उसको ये चीज़ पता चलती रहती है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मेरे को अब क्या चीज़ें सही करनी चाहिए। तो आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो क्या हैं गलतियाँ जो जिनकी वजह से, यानी आप ही की वजह से वो गलतियाँ होती हैं और उसी की वजह से आपका चैनल यानी यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो नहीं हो पाता। तो बात करते हैं पहली गलती की। देखिए, जब आप सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते हैं तो आपके माइंड में बस आप चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको ये चीज़ नहीं पता बिल्कुल भी कि चैनल का नाम क्या रखना है, क्योंकि चैनल का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। सबसे पहले जी, जब आप यूट्यूब पे आते हो आपका चैनल का नाम मैटर करता है, नंबर एक, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आप अपने चैनल का नाम रख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा रखिएगा जो ईजिली सबकी जुबान पे आ जाए। बहुत से बंदे क्या करते हैं, अपना नाम प्लस आगे टैग लगाया, या टैग जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम सुनील है तो टैग सुनील टैग, ठीक है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये आज से नहीं, जब से यूट्यूब आया है और यूट्यूब का जब से ट्रेंड आया है, यानी जियो के आने के बाद, जियो की जब सिम लॉन्च हुई थी 4 साल पहले आज से, जब से यूट्यूब का बहुत ज़्यादा चलन में आ चुका है, तो जब से ये टैग नाम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चैनल का नाम आप सोच समझ के रखिएगा। नंबर बात करते हैं नंबर दो की। जब आप अपनी वीडियो क्रिएट करते हैं तो उस ही कंटेंट से रिलेटेड कुछ टाइम तक आप अपनी वीडियो को डेली अपलोड कीजिएगा, और अपलोड करेंगे जब भी आप अपनी वीडियो को तो एक बार अपनी वीडियो को खुद रिव्यू जरूर कीजिएगा कि भाई मैं जो वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं सही बोल पा रहा हूँ, क्योंकि शुरू में सब गलत बोलते हैं भाई। आप ये सोचोगे मैं 100% अगर सही बोलता हूँ तो मैं भी सही नहीं बोलता, मुझे पता है इस चीज़ का वीडियो में, क्योंकि होता क्या है कि स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हर यूट्यूबर्स अपनी स्क्रिप्ट लिखता है शुरू में, और हर स्क्रिप्ट माइंड में सेट नहीं हो पाती तो वो क्या करता है कि बोलने की कोशिश करता है, कुछ चीज़ों पे वो अटक जाता है, तो शुरू में ये दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम फेस होती है, तो इससे हमें डरने का नहीं है क्योंकि शुरू में सबके साथ ये दिक्कत आती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी। जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आप जो तीसरी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती वही करते हैं कि आप अपनी वीडियो को शेयर करते हैं। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं कि भाई अपनी वीडियो को कभी भी शेयर मत करो, क्योंकि शेयर करोगे YouTube पर लिंक नहीं, आप किसी भी लिंक को आप शेयर करके देख लीजिएगा, वो जिस कंपनी का या जिस वेबसाइट का लिंक होता है वो तुरंत वेबसाइट को रिकग्नाइज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, पता चल जाता है उसको। तो यूट्यूब को आप वीडियो को कभी भी शेयर मत कीजिएगा। बात करते हैं कि वीडियो आपको किस टॉपिक पे बनानी है, तो ये हमेशा आप सोच समझ के बनाइएगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है तो प्लीज मेक श्योर
उसी से रिलेटेड आप अपने वीडियो को बनाइएगा। शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर यूट्यूबर्स शुरू में स्ट्रगल करता है, लेकिन जब धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं, लोग आपकी वीडियो को पसंद करने लग जाते हैं, इवन ऐसा भी देखा जाता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स का कि उनकी वीडियो का लोग वेट करते हैं, तो मेक श्योर आप में से हम में से ही किसी को एक बड़ा यूट्यूबर्स बनना होता है। हम ये नहीं सोचते कि हमें उसे मैट करना है, यानी हमें उसे आगे निकलना है, उससे नहीं निकलना, हम अपना काम डेली करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पांचवा टॉपिक आपका यह आता है कि आपको वीडियो डेली अपलोड करनी है, आपको वीडियो डेली अपलोड करनी है यूट्यूब पे, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। मेक श्योर अगर आपको लगता है कि भाई मैं 2 दिन कहीं बिजी हूँ, वीडियो शूट नहीं कर पा रहा किसी भी रीजन से, तो पहले ही वीडियो को शूट करके अपलोड कर दीजिएगा एंड टाइमिंग उस दिन की आप सेट कर दीजिएगा, सबसे पहली चीज। बात करते हैं मेन मुद्दे की बात। आपने जो मेरी वीडियो को देख के, मतलब थंबनेल्स को देख के, सॉरी वीडियो पे एंटर आए हैं, यानी थंबनेल्स आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब तक आपका थंबनेल्स अट्रैक्टिव नहीं होता, इवन मैं अपनी खुद की बात करूं या आपकी भी ही बात कर लेता हूं, तो हर आदमी आज की डेट में थंबनेल्स को देख के ही अट्रैक्ट होता है। थंबनेल्स को देखता है तब वो अंदर जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा थंबनेल्स में कि मोस्टली यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, उनका आप थंबनेल्स देखेंगे तो वो इंग्लिश में लिखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा थंबनेल्स हिंदी में यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस है, बांग्लादेशी ऑडियंस होगी या पाकिस्तान की होगी या कहीं की भी होगी, मतलब अपने नेबर की बात कर लेते हैं, पड़ोस में, तो हिंदी लोग जानते हैं, ठीक है। हम बात नहीं करते यूएस की, ठीक है, अभी हम इंडिया के लिए ही बने हैं तो इंडिया की ही बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदी हमारी भाषा है तो हम हिंदी में ही थंबनेल्स बनाने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका माइक हमेशा अच्छा होना चाहिए। बहुत से बंदे क्या करते हैं, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। शुरू में आप अपनी ईयरफोन जो होती है हैंड फ्री, आप उससे अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई बार वॉइस काफ़ी सारा आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेक श्योर शुरू में यार 700-800 रुपये का बोया का माइक आता है, वो तो आप बाय कर ही सकते हैं, मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ से बोया का माइक खरीद सकते हैं साथ ही साथ। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो के अंदर के, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और हर यूट्यूबर्स मोस्टली शुरू में शेयर करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो मैं भी अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरा एक और यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल से मैं अच्छी खासी अर्निंग करता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैंने सिंपल बनाया है, इसको शेयर भी ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ इस पर अपनी वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की कि भाई जो गलतियाँ मैंने करी हैं, मेक श्योर आप वो गलतियाँ ना करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, थैंक यू सो मच जो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मैं यूट्यूब टैक्स से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, एंड साथ ही साथ मैंने अब एक अपना मॉर्निंग का जो टाइम है वो फिक्स कर लिया है कि मैं जो मोबाइल के रिव्यू होते हैं, यानी मोबाइल जो नया मार्केट में आने वाला होता है, उससे भी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअल में उस मोबाइल के अंदर क्या फीचर्स हैं और कितना उसकी प्राइस है और क्या लॉन्चिंग डेट है, वो सब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो सुबह मैं अपनी जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो मोबाइल से रिलेटेड होती है, एंड शाम को जो मेरी वीडियो अपलोड होती है वो टैक से रिलेटेड होती है। तो मेक श्योर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके भाई, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली।